फ्रेंड्स, मेरा नाम हिरदोष और मिक्सर टेक गैंग पर सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में अगेन हम बात करने वाले टेक अपडेट्स के बारे में। बट टेक अपडेट्स के मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सबको जो है पूरे देशवर्ष को जो है जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आप सभी फैमिली के वो जो है अब दूर चले जाए और इस फेस्टिवल के साथ जो है खुशियाँ ही खुशियाँ आप सभी के घरों में आ जाए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। बट जैसे मैं आपको हर वक्त बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही मैं बेल आइकन को दबाकर वाले ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, अपडेट्स पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई। जो पहली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है गूगल पिक्सल 6 सीरीज के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट से कहा जा रहा है, हालांकि कोई ऑफिशियल पोस्टर इसका कोई निकल के नहीं आया, बट कहा जा रहा है कि 13 सितंबर को जो है हमें गूगल पिक्सल 6 सीरीज जो है वो अनाउंस होती, लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे ये डेट नज़दीक आती है, अगर ऑफिशियल ये डेट होगी कंफर्म, तो हमें श्योर इसके कुछ ओरिजिनल पोस्टर जो है वो आते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग M52 5G स्मार्टफोन के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है वो गीकबेंच की लिस्टिंग के ऊपर देखा गया, जिसका मल्टी और सिंगल को स्कोर जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 8GB रैम के साथ जो है ये स्मार्टफोन देखा गया। साथ ही में स्नैपड्रैगन 7 8G के ऊपर हमें ये रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है, और हो सकता है शायद सितंबर मंथ के अंदर जो हमें ये स्मार्टफोन भी जो है लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है शाओमी के अपकमिंग TWS के बारे में। सो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले टेक्न्यूज़ के अंदर एक नए शाओमी TWS दिखाए थे, मे बी शायद ये वही TWS हो सकते हैं। मुझे फोटो अगर मेरे डेटा में मिलेगी तो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा आपको दिखाने के लिए। और ये जो TWS है, जो मॉडल नंबर है, अब वो कहा जा रहा है कि सेम सर्टिफिकेशन के ऊपर देखा गया है, जो आप स्क्रीन पर इसका मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे। अगर ये जो डिज़ाइन मैं बात कर रहा हूँ अगर ये वही है तो मान के चलिए इसका लॉन्च भी जो है हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है डिजो वॉच 2 के बारे में। सो अब ये जो वॉच है अब वो FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर देखेगी, साथ ही में ये ऑलरेडी जो है BS सर्टिफिकेशन के ऊपर भी जो है वो लिस्ट हो चुकी है। मान के चलिए कि इसका लॉन्च भी जो है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में 1 सितंबर को जो है कहा जा रहा है कि डिजो की तरफ से डिजो हेयर ड्रायर और ट्रिमर जो है वो भी लॉन्च होने वाला है। उसका एक पोस्टर निकल के सामने जो आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि क्या 1 सितंबर को जो ये डिजो हेयर ड्रायर और जो ट्रिमर लॉन्च होने वाला है, क्या इसी के साथ और कुछ लॉन्च हमें देखने को मिलने वाला है, या फिर ये जो वॉच है बर्ड्स जेड से वो सारी चीज़ें हमें एक और अलग से इवेंट में देखने को मिलने वाली है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ वीवो X70 Pro Plus के जो है ऑफिशियल रेंडर अब निकल के आ चुके हैं। साथ ही में जो वीवो X70 सीरीज है उसका ऑफिशियल पोस्टर भी सामने आ चुका है कि ये जो है सितंबर महीने में जो है 9 सितंबर को जो है वो चाइना में लॉन्च होने वाला है। सो 9 सितंबर में चाइना में हो रहा है, यानी कि मान के चलिए शायद सितंबर एंड तक जो है हमें ये शायद इंडिया में भी जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि इंडिया की लॉन्च डेट जो है वो कब की निकल के आती है। इसके बारे में बात करने वाला है वो है अगेन X70 सीरीज़ के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ X70 Pro और X70 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर भी लिस्ट हो चुके हैं। मान के चलिए मुझे लगता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि हमें सितंबर के अंदर ही जो है वीवो X70 सीरीज जो है इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। देखते कि फिर आगे कुछ कह नहीं सकते, मे बी शायद October 1st तक भी कुछ लॉन्च हो सकती है, बट देखते हैं। मेरे हिसाब से तो सितंबर में लॉन्च होना चाहिए। देखते कि हमें इसकी जो लॉन्च डेट है वो कब तक की देखने को मिलती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है लेनोवो के एक 5G टैबलेट के बारे में है। अब ये जो मॉडल नंबर है लेनोवो का 5G टैबलेट का, अब वो जो है NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर देखा गया है, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मॉडल नंबर का। अब देखते हैं कि लेनोवो की तरफ से कौन सा टैबलेट है जो हमें आने वाले टाइम के अंदर जो है बहुत जल्दी एशियन मार्केट्स के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। टैबलेट के बारे में बात करने वाले वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ OPPO A16 K 4G स्मार्टफोन और साथ ही में A55 4G स्मार्टफोन। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है जिसके आप मॉडल नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हो NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं। साथ ही में ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है अब BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर भी जो है वो देखे गए हैं। मान के चलिए ये दोनों स्मार्टफोन भी जो है शायद सितंबर महीने के ही अंदर हमें लॉन्च तो देखने को मिलने वाला है कि दोनों ही जो है 4G स्मार्टफोन। अब देखते हैं कि इनके स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या निकल के आते हैं। अपडेट के बारे में बात करने वाले अगेन वो है X70 सीरीज के बारे में ही। हालांकि मुझे X70 सीरीज के सारे कवर कर लेने चाहिए थे, बट ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा अलग एक दो पार्ट में इसके मैं कवर कर लूँ। तो अब ये जो है X70 और X70 Pro जो सीरीज के स्मार्टफोन है अभी NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर भी जो है वो देखे गए, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे X70 और X70 Pro स्मार्टफोन। तो आप देखते हैं कि सभी एशियन सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जो है ये धीरे धीरे लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि मान के चलिए
चाइना के बाद जो है एशियन मार्केट्स के अंदर जो है बहुत ही जल्दी सितंबर के अंदर ही हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स के हॉट 11S के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक टेक्निक्स के अंदर बता चुका हूँ कि मिड सितंबर तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। साथ ही में अब ये जो स्मार्टफोन है गीकबेंच की लिस्टिंग के ऊपर देखा गया है, जिसका मल्टीपल सिंगल कोर स्कोर जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हीलियो G88 के ऊपर हमें ये रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। 4GB रैम के साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है, एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही रन करेगा। साथ ही में अब ये जो स्मार्टफोन है ये भी जो है BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है, यानी कंफर्म समझ के चले सितंबर के महीने में जो है आपको ये इन्फिनिक्स का एक बजट स्मार्टफोन जो है हॉट 11S जो है ये इंडिया में लॉन्च होता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। टैबलेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी पैड के बारे में। सब ये जो रियलमी का टैबलेट है पैड कहिए, अब ये जो है गीकबेंच की लिस्टिंग के ऊपर देखा गया है। अब इसका मल्टीपल सिंगल कोर स्कोर जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हीलियो G80 के ऊपर ये रन करने वाला है, 4GB रैम के साथ ये देखा गया है। और मुझे लगता है कि थोड़े इसके हाई स्पेसिफिकेशन रखे होते तो मज़ा आता और थोड़ा ज़्यादा, बट अब देखते हैं कि इस SoC और इस रैम के साथ जो है अब देखते हैं कि स्टोरेज ऑप्शन हमें क्या इसमें मिलते हैं लॉन्च के वक्त, और देखते हैं कि कौन से प्राइस पे हमें ये टैबलेट जो है वो देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन के बारे में। अब ये कंपनी की तरफ से जो है ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है कि 3 ईयर्स की जो है OS अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है, साथ ही में 4 ईयर्स तक जो है सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को जो है ये इंडिया में हमें लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कौन से प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को मिलता है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिजो वॉच प्रो के बारे में है, और ये हम कह सकते हैं कि रियलमी की जो वॉच 2 प्रो है उसे ही जो है रिब्रांड करके जो है लॉन्च करने वाले हैं। अब इसको जो इसका जो फर्स्ट लुक है वो सामने निकल के है, जो मैं आपको स्क्रीन पे इसकी कुछ फोटोज जो है वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुके हैं, यानी कि मान के चलिए जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो वॉच 2 है वॉच प्रो, साथ ही में इसके जो पिछले टेक्निक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि बर्ड जेड, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमें शायद एक ही लॉन्च इवेंट के अंदर हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं इसका लॉन्च इवेंट डेट जो है कब का निकल के आता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं वो है OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ OnePlus 9 RT के बारे में। अब इसका जो मॉडल नंबर है वो BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो देखा गया है, जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मान के चलिए BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर आ चुका है, यानी कि हो सकता है शायद सितंबर में हमें और एक लॉन्च इवेंट जो है एक स्मार्टफोन का हमें OnePlus की तरफ से देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि सितंबर में लॉन्च होता है या फिर मे बी अक्टूबर फर्स्ट हाफ तक, पर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद सितंबर में ही जो है ये स्मार्टफोन OnePlus की तरफ से लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या अपडेट मिल पाती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का जो टैब S7 फैन एडिशन जो है, जो वाईफाई वाला वेरिएंट है, अब उसका जो पेज है सपोर्ट पेज, अब वो इंडियन वेबसाइट के ऊपर जो है वो लाइव हो चुका है। मान के चलिए हो सकता है इसका लॉन्च जो है बहुत ही सून हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है, यानी कि ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है सितंबर के महीने में हो सकता है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है अगेन वीवो के स्मार्टफोन के बारे में है, और ये है X70 Pro स्मार्टफोन के बारे में। तो अब उसका जो है लॉन्च से पहले जो है एक लाइव इमेज निकल के सामने आया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जो ग्रीन हम कह सकते हैं टर्कोइश लाइट कलर जो है, उस कलर में हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। फ़ोन देखने में सही में सुपर्ब दिख रहा है। देखते हैं अब कौन से प्राइस पे जो है वीवो इसे लॉन्च करती है। इस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बंदो। रियलमी की तरफ से जो है एक पोस्टर निकल के सामने आया, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, जिसमें हमें डायमेंसिटी 810 SoC जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड डेब्यूट बाई रियलमी, यानी कि रियलमी की तरफ से जो है 810 के ऊपर ये पहला स्मार्टफोन होगा जो हमें रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। और मे बी हो सकता है, कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो, कि रियलमी 8S स्मार्टफोन हो सकता है जिसके अंदर हमें ये SoC देखने को मिलने वाला है, जिसके स्पेसिफिकेशन भी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 6.5 इंच का 90Hz का LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, 64MP का ट्रिपल कैमरा, 16MP का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग, 6GB रैम और 8GB रैम के वेरियंट पर हमें स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। देखते हैं कौन से प्राइस पे हमें लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। साथ ही में कहा जा रहा है कि शायद 9 सितंबर के आसपास जो हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट मिल पाती है। मैं आपको आज के आखिर अपडेट बताने वाला हूँ वो है सैमसंग के S21 फैन एडिशन स्मार्टफोन के बारे में। तो इससे पहले हमने बात की थी कि ये गीकबेंच की लिस्टिंग के ऊपर देखा गया था, बट स्नैपड्रैगन 888 के साथ। अब जो है एक्सिनोस SoC जो है 2100 उसके ऊपर हमें ये रन करता हुआ देखा गया है
Geekbench के लिस्टिंग के ऊपर, जिसका मल्टीपल सिंगल कोर स्कोर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें हमें 8GB रैम के साथ हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं, हो सकता है कि इसका लॉन्च भी जो है शायद सितंबर में ही देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांसेस है, बट मोस्ट ऑफली हो सकता है कि ये सितंबर में ही हमें अनाउंस होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में भी और हमें क्या अपडेट मिल पाते। काफ़ी सारे स्मार्टफोन के बारे में आज हमने वीडियो के अंदर बात की है, जिसके लॉन्च हमें न्यू ईयर सितंबर में देखने को मिलने वाला है। हालांकि डोंट वरी, सितंबर लॉन्च का वीडियो भी जो है आज या कल में जो है अपलोड हो जाएगा, जिसके अंदर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो उसका भी वेट कीजिएगा। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और अगर उनको पसंद है तो वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। साथ ही में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी हो, तो टैग गेन सर्च कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर, और वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जितना चाहता हूँ उतना आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ ही में मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन से ले लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को देख पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहनो, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।